सो बेसिकली मैं अभी इवन नाउ आई एम करंटली परसुइंग एन अ डिप्लोमा और मेरा अभी तक फोकस अपनी एजुकेशन पे रहा है. बीच में मैंने पापा के साथ लग के काफ़ी बार सोशल वर्क भी करा है. जो अभी बीच में रायट्स हुए थे लास्ट ईयर, उसमें भी हम लोगों का काफ़ी रोल रहा था मेरा, जिसमें मैंने फंड्स इकट्ठा किए थे और हम लोग राशन किट्स वगैरह लेके गए थे. इस तरह के कई कामों में मैं पापा के साथ हमेशा इन्वॉल्व रही हूँ. एंड अब ऑफ कोर्स ये चीज़ हो गई है तो मेरा फोकस अब इस तरफ ही ज़्यादा रहेगा कि मैं आवाम की सेवा कर सकें. हम लोग अल्लाह करेगी, मुझे पूरा यकीन है कि मैं देखिए पूरा मैं ये तो नहीं कह रहा और अब अल्लाह से तौबा भी करनी चाहिए ना, मैं कोई किसी को चैलेंज कर रहा हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि शाहीन बाग हो, अबुल फजल हो, चाहे पूरा ओखला हलका हो, हमेशा से उसने मुझे प्यार में कभी कमी नहीं. चाहे एक बार को कई बार ऐसे भी हुए कि हम इलेक्शन लूज करें, लेकिन उनकी प्यार और मोहब्बत तो मेरे साथ बदस्तूर रही है और इस बार फिर यहाँ की जनता वोट और प्यार और मोहब्बत सब चीज़ों से नवाजेगी इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है. आसिफ भाई कि कैसे हुआ आपके पैर में इस तरह की जो चीज़ें? देखिए हाँ, मेरे पैर में फ्रैक्चर है. मैं एक बच्चा जो था वो छोटी सी उम्र का बच्चा जिग जैग करता हुआ मोटरसाइकिल चलाता हुआ मेरे सामने आ गया. मैं स्कूटर से बहुत स्लो स्लो जा रहा था, मुझे मैंने उस बच्चे को बचाने के लिए ब्रेक लगाए और स्कूटर मेरे पैर पे ही गिर गया, इसलिए थोड़ी सी हल्की सी एक इंजरी आ गई. हाँ, एजेंडा क्या होगा आपका? देखिए बाय एजेंडा तो देखिए कई चीज़ें हैं जो पुलिस का इस एरिए में जो रवैया है. अब जब मैं काउंसलर या एमएलए रहा उस टाइम और आज के टाइम में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है. पुलिस ने आतंक काट रखा पूरे एरिए में, नंबर वन. दूसरा देखिए कोड़ों के अंबार लगे हुए हैं, आप जगह जगह देखिए कि अलशिफा हॉस्पिटल के सामने देखिए, आप रहमानी साहब की मस्जिद के साथ देखिए. मैं बहुत ज़्यादा तो किसी को नहीं कह रहा, लेकिन ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड और मैं आपसे चाहूँगा कि एक महीने के अंदर ये मेरा इंटरव्यू आप दिखाइएगा. मैं ये बात कह रहा हूँ कि मैं ये कूड़ेदान देखिए, ये लोग मिसगाइड करते हैं जनता को. चाहे अमानतुल्ला हो चाहे वाजिद हो, ये कहते हैं साहब कूड़ेदान की जगह नहीं मिल रही. अरे कूड़ेदान में कोई खंदक नहीं होगी, कोई टनल नहीं होगा जो कूड़ा उसके अंदर चला जाएगा. मुद्दा कूड़ा उठना है. मैं भी काउंसलर रहा, एमएलए रहा, तब तो ये कूड़े के अंबार नहीं रहे. ये साल दो तीन साल के अंदर ये अंबार कहाँ से पैदा हो गए? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मेरा आवाज़ को रिकॉर्ड में अपने रखिएगा मेरा इंटरव्यू, और एक महीने बाद ये इंटरव्यू दिखाइएगा. इंशाल्लाह आपको चाहे अलशिफा हॉस्पिटल हो, चाहे रहमानी साहब के मस्जिद ये 8 नंबर ठोकर हो, यहाँ कूड़े नाम के आपको देखने को कोई एक ट्रक कूड़ा नहीं मिलेगा. ये देखिए मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, जितने सफाई कर्मचारी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सफाई कर्मचारी नहीं मिलते अनऑथराइज में, जितने मिलते हैं उनका भरपूर इस्तेमाल करेंगे, पुलिस की जातियों को रोकने की कोशिश करेंगे, और जितना भी हो सकता है, जितना भी देखिए कॉरपोरेशन के जरिए, जैसे फॉगिंग का है, डेंगू है, मलेरिया है, दुनिया भर के मसाइल हैं, जो भी कॉरपोरेशन के दायरे में आते हैं उनका भरपूर इस्तेमाल मेरी बेटी मेरे तजर्बे से करेगी. मैं उसको गाइड करूँगा, मैं अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करूँगा और उसका भरपूर इस्तेमाल हम करेंगे. ख़ास तौर से जो दो तीन जगह कूड़ों के अंबार पड़े हुए हैं, ये मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूँ. क्या एक शाहीनबाग का कूड़ेदान खत्म होगा यहाँ से? भी खत्म की बात नहीं है. देखिए रेगुलर टीमें उठेगा कूड़ा, ये मैं आपसे बिल्कुल चैलेंजिंग मेरा जॉब होगा, मेरे लिए ये चैलेंज होगा. बेटी कॉर्पोरेशन में पहुंचती है तो ये अब बेटी अरीबा के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए चैलेंज होगा कि जो कूड़े के अंबार बने हुए हैं, कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं, इनको बिल्कुल जड़ से, कूड़ा तो डलेगा कहीं तो डलेगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कई कई 100 डंपर एक जगह खड़े हो जाएं और एरिया में लोगों का निकलना पड़ना भारी हो जाए. केजरीवाल जी ने तो 10 गारंटी दे दी और वो लगातार देखिए मैं इंडिपेंडेंट काउंसलर था, इंडिपेंडेंट एमएलए था, और जब मैं कांग्रेस में बना तब कांग्रेस पावर में जा चुकी थी. क्या ये दोनों अंबार थे कूड़े के? आप बता दीजिए, काउंसलर इनका, एमएलए इनका. जहाँ एमएलए था तो लोगों ने ये वाजिद ये मुद्दा लेकर आए थे, ये मुद्दा लेकर आए थे कि साहब हमें, हम अगर आप एमएलए के साथ साथ काउंसलर को भी जिता देंगे तो एरिया में मिल के काम करेंगे, है ना. तो अब जो है
कहाँ गए वो मिलके काम करने वाले? आसिफ मोहम्मद खान साहब भी हैं। आसिफ साहब कैसा लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इस मौके पर? बेटी को ट्रेनिंग दे दी लग रहा है। देखिए मैं एक बात आपको बात बता दूं, ये तो हमारे खून में है। हिंदुस्तान की आज़ादी से और आज तक अल्लाह का शुक्र है मैं 7वां MLA था घर के अंदर, है ना। काउंसलर भी रहे, यूपी में बेस्ड रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे घर के अंदर, यूपी कैबिनेट में मिनिस्टर भी कई कई बार मेरी फैमिली मेंबर्स रहे। ये चीज़ हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती, ये खून में है। और जब आरिबा पैदा हुई थी तब मैं काउंसलर था, है ना, और जब ये 7 साल की थी मैं तिहाड़ जेल में था, तब इसको ब्लड से शाहीनबाग के लोगों ने तोला था, है ना। तो अरिबा के लिए उस टाइम पे जब मैं जेल में था 2002 में, तो अरिबा ने ही पूरी कंपेन चलाई थी, यही जिप्सी पे चलती थी हर जगह पर कंपेन करने के लिए। तो ये चीज़ मेरे लिए या अरिबा के लिए कोई बहुत ऐसी नहीं है कि जो अनजान। आप यकीन मानिएगा, खुदा गवाह है मैं झूठ नहीं बोल रहा, खुदा की कसम मेरा एक लफ्ज़ भी अरिबा से अभी किसी मसले पे भी डिस्कस नहीं हुआ है। लेकिन ये भी यहीं की रेजिडेंट है, हालात देखती है कि क्या हालात हैं एरिए के, है ना। क्योंकि हम थे तो देखिए हम तो क्योंकि इतनी लड़ाइयाँ लड़के हमने ओखला को एक कोशिश करी थी। देखिए कोई रात में या रात 24 घंटे में कोई सुधार नहीं हो सकता है, एक चैन सिस्टम होता है, बहुत साल लग जाते हैं उस सिस्टम को सही ट्रैक पे लाने पे, और उसमें ब्रेक लग गया पिछले दिनों में। तो फैसला किया कि अरिबा को सियासत में लेकर आना है, राजनीति में लेकर आना है? नहीं देखिए ये तो अब अल्लाह ने एक मुझे बेटी से नवाजा है, लोग यही समझते हैं कि सब कुछ बेटा ही होता है, है ना। लेकिन ये मेरी सिंगली डॉटर है, मेरा एक ही बच्चा है अरिबा, है ना, और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी एजुकेशन इसने हासिल करी है और अभी तक स्टडी ही करती कर रही है, अभी भी तरह तरह के डिप्लोमास कोर्सेज, जामिया से बीएड और बहुत सी चीज़ें जो भी कर सकती हैं, थ्रू आउट कॉन्वेंट एजुकेटेड है, दिल्ली के बेहतर से बेहतर स्कूलों में इसने नर्सरी से लेके और अभी तक एजुकेशन हासिल की है, बल्कि जिसमें प्रियंका गांधी ने एजुकेशन हासिल की थी टाइनी टॉट उस टाइम में कहला जाता था, बाद में उसका नाम प्रैकल हो गया था, वहाँ से इसकी स्कूलिंग शुरू हुई है। तो बड़ी बड़ी डिग्रियाँ इनके पास हैं, हाँ देखिए बड़ा ये चीज़ें बड़ी हेल्पिंग कहीं ना कहीं होती हैं जब ऑफिसर्स को आप हायर ऑफिसर्स को, नीचे लेवल की बात नहीं है, जब आप MCD कमिश्नर से या पुलिस के ऑफिशियल से जब आप अगर आप पढ़े लिखे अंदाज में बात करते हैं तो उसका रेस्पॉन्स आपको भी पता है कि किस तरह से दिया जाता है। तो नीचे लेवल की बातें होती हैं जो हमारे मसाइलों में उलझना पड़ता है, लेकिन जब आप कूड़े के गार्बेज की बात है तो जब आप MCD कमिश्नर से मिलेंगी, यहाँ की प्रॉब्लम्स रखेंगे, तो आप पढ़े लिखे अंदाज में अगर उसको बात रखेंगी तो मुझे पूरा यकीन है कि वो इम्पोर्टेंस इस मुद्दे को। जैसे अभी अरिबा ने कहा कि जीतने के बाद जब वो जीतती है तो सबसे पहले कूड़े का मुद्दा जो है वो कूड़े का सफाई देखिए, लेकिन सर कूड़ा इतने सालों से नहीं उठा, ऐसे एकदम कैसे, मतलब मैंने आपको क्या कहा, मैंने अभी आपसे कहा कि ये रिकॉर्ड जो है आप अपने पास रखिएगा, आज का इंटरव्यू का रिकॉर्ड रखिएगा, और एक महीने के बाद आप ये बात मुझसे और अरिबा से पूछिएगा, है ना, कि साहब आपने एक महीने का, मैं ये नहीं कह रहा हम 6 महीने में कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, हम अटवा देंगे, ये मेरा इतना एक्सपीरियंस है अपना, मेरा पर्सनल कॉर्पोरेशन और दिल्ली सरकार का अपना तजर्बा है कि इंशाल्लाह इस कूड़े को। देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ, ये MLA काउंसलर की नाहली है, इसमें 60-70% कूड़ा आउटसाइड से आ रहा है इस वार्ड के बाहर से। आपको उम्मीद है कि शाहीनबाग में इतना कूड़ा निकलता है? पूरे मनीष ने पूरे सरिता विहार के सारे कूड़ेदान बंद करवा दिए, सारे इधर जैतपुर साइड के सारे कूड़ेदान बंद हो गए, आप जाकिर नगर में बटला हाउस में एक कूड़ेदान रह गया है बस, वहाँ के भी सारे कूड़ेदान बंद हो गए, डंपिंग ग्राउंड शाहीनबाग को और अबुल फजल को बना दिया सामने। सबसे पहले बंदिश तो हम उन्हीं सैनिटरी इंस्पेक्टर को बुलाएंगे और DC से, डिप्टी कमिश्नर MCD से बात करेंगे कि आउटसाइडर कूड़ा सिर्फ शाहीनबाग और अबुल फजल का ही यहाँ कूड़ा पड़ेगा, आउटसाइडर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो MCD के ट्रक लाके यहाँ डालते हैं। छोटे डंपर हैं, 3 वार्डों का कूड़ा बाहर से लाके यहाँ डाला जाता है
और ये बात मैंने वाजिद को 2-3 बार बताई, क्या आप उम्मीद लगाते हैं कि शाहीन बाग में रोज इतना कूड़ा निकलता है, अबुल फजल में इतना कूड़ा निकलता है? आपका अबुल फजल शाहीन बाग को डब्बी ग्राउंड बना दिया इन्होंने। सबसे पहले तो हम उनको उन पे बंद, मैंने कहा कि आप एक महीने में इस कूड़ेदानों के दोनों के, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कूड़ेदान की बिल्डिंगें खड़ी करवा दूंगा एक महीने में, लेकिन कूड़ा नाम की कोई चीज़ आपको सड़कों पर जो डंपिंग ग्राउंड बना रखे हैं वो नहीं रहेंगे, ये मैं आपसे दावे के साथ। अरे